वैक्सीन की दोनों डोज कोरोना के सिम्टोमेटिक यानी लक्षण वाले मरीजों में 50% प्रभावी है। ये दावा लेसेंट इन्फेक्शियस डिजीज जर्नल में प्रकाशित भारतीय वैक्सीन के रियल वर्ल्ड असेसमेंट में किया गया है। लेसेंट में हाल ही में छपी पीयर रिव्यू में ये बात सामने आई कि कोवैक्सीन कोविड-19 के खिलाफ प्रभावी है और ये कोरोना के लक्षण वाले मरीजों में 77.8% तक असरदार है, साथ ही इसमें गंभीर प्रभाव नहीं है। एम्स में नई स्टडी के मुताबिक 15 अप्रैल से 15 मई तक दिल्ली के एम्स में 2714 स्वास्थ्य कर्मियों पर यह स्टडी की गई। इनमें कोरोना के लक्षण थे और इनकी आरटीपीसीआर जांच भी की गई। रिपोर्ट के मुताबिक जब ये स्टडी की गई तब भारत में डेल्टा वेरिएंट का कहर था और कोरोना के 80% मामलों में यही वेरिएंट पाया गया था। कोवैक्सीन को इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी के एक साथ मिलकर विकसित किया है। इसमें भारत बायोटेक ने इस सहयोग के जरिए सार्स COV2 स्ट्रेन प्राप्त किया था। कोवैक्सीन की दोनों डोज 28 दिन के अंतराल में दी जाती है। इसी साल जनवरी में कोवैक्सीन को भारत में 18 साल से ऊपर के लोगों में इमरजेंसी इस्तेमाल के लिए मंजूरी दी गई थी। WHO ने इसी महीने कोवैक्सीन को इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी दी है। कोविड-19 के खिलाफ प्रभावी है वैक्सीन। इससे पहले लेसेंट ने अपनी रिव्यू रिपोर्ट में दावा किया था कोवैक्सीन सिम्टोमेटिक कोविड-19 के खिलाफ 77.8% प्रभावी रही है। कोवैक्सीन को गंभीर सिम्टोमेटिक कोविड-19 के खिलाफ 93.4% प्रभावी पाया गया। कोवैक्सीन एसिम्टोमेटिक कोविड-19 के खिलाफ 63.6% प्रभावी पाई गई। ये सार्स COV2 B.1.6.2.2 डेल्टा के खिलाफ 65.2% प्रभावी पाई गई। कोरोना और वैक्सीनेशन से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।